नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका स्टेबल जिंग के नए एपिसोड में। हूँ आपका दोस्त सुरेश आइडिया। तो भैया लोग, जैसा देख सकते हैं अभी हम निकल चुके हैं अपने होटल से और अभी बारिश थोड़ी थोड़ी बंद हुई है, अर्थात पूरी बंद हो चुकी है और हम निकल चुके हैं अपने होटल से। आगे चलता हूँ, वहाँ से टैक्सी लेता हूँ, अगर टैक्सी वाला कोई मिलता है तो, नहीं मिलेगा तो फिर वो बोल टैप करेंगे। बाइक टैक्सी मंगा लिए, हमें वॉकिंग स्ट्रीट छोड़ रहे हैं मात्र 45 भात में। अभी यहाँ पे मैं इधर चला, कहीं पर टैक्सी नहीं मिली, मैंने तुरंत किया बोल टैप और मंगाया। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं बोल टैप। बार बार बता रहा हूँ, ये मत बोलना बताया नहीं। अरे वो जो बंदी थी उस दिन वाली, वो फ़ोन कर रही थी, वो कितना उसका मिस कॉल आया दिखाऊँ। तो देख लिया कितना मिस कॉल आया है, लेकिन नहीं, अपने को सिर्फ जो छान लिया उसको दोबारा नहीं छानना। तो अब जा रहे हैं तलाश में, हम फिर से नया माल पटाएंगे, होटल में ले आएंगे, ठीक है। ओह माय गॉड, पटाया फ्लड, ये देख सकते हैं कितना बाढ़। कैसे चिपक के बैठी है यार, एकदम लसलसा के, पीछे से तो एकदम मस्त दिख रही है, लप लप आ के। आज बारिश हो रही, तो आज सस्ते में माले मिल जाएंगी, तो आज अच्छा सस्ता सुंदर टिकाऊ अच्छा माल ढूंढने भी होनी चाहिए। कर्री माल, तो इस बार मिशन क्या है अपना, कर्री माल। आगे का नज़ारा देखो, ये पूरा बीच रोड, बारिश हो रही है गुरु, तब पर बीच रोड पे एकदम मस्त मस्त कन्याएं खड़ी है आज। तो दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर तुम्हारा भाई आ गया है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने, ये वॉकिंग स्ट्रीट पे। चलिए फटाफट लेके चलते हैं, अभी 12 बज गए हैं, 1 बज रहे हैं, तो बियर वगैरह तो 7-Eleven से ले नहीं सकते, तो हम क्लब से ही लेंगे। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं और आज की नाइट लाइफ क्या है, आज की पटाया वॉकिंग स्ट्रीट में क्या हो रहा है, कैसा अपडेट। भोकाल भोकाल एकदम, कैसे भैया जी, कैसी खड़ी है माँ का सब यार, इसकी लेने में तो मजा आ जाएगा भाई। वो देखो पीछे जो सेट कर रहे हैं भाई, वो कैसी खड़ी है यार, उसकी लेने में तो मजा आ जाएगी माँ का सब एकदम। और इधर जो आपकी बहुत वीडियो में देखता हूँ, आज पसंद से मिल गया भाई, इनकी भाई तो ये पीछे वाली मालो देख, माले देख, ये पीछे की माले देखो आप, तब तक ये भैया मिल गए, उनसे मिल गए। मैं आपकी देखता हूँ पसंद से, बहुत बहुत सही जगह पर मैं आया हूँ, बहुत सही टाइम आपसे मुलाकात हो गई। आय का नज़ारा देखो गुरु, एक से एक माले, आज बारिश में ना ज़्यादा क्लाइंट नहीं मिलेंगे, तो एक से एक माले हैं और आज सस्ते में जाएंगे। जैसे उस एक दिन हमने कीम को पकड़ा था तो वो सस्ते में चली गई थी, मतलब 200-300 भात में ही चली गई थी, वो भी फुल नाइट के लिए, क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी बहुत। तो बारिश का फ़ायदा ये होता है कि इनको कस्टमर नहीं मिलते गुरु, ठीक है। तो आप बारिश समय पर आके लॉन्डियों से सस्ते में डील कर सकते हैं, ठीक है। माल ये देखिए बैठी है, देखिए वो देखिए बैठी है, ये जो साइड साइड में खड़ी रहती है ना यहाँ पे, वो पूरी ले जाने वाली है कुछ, तो जाके बात करो, नो हिचक, हाउ मच सीधे पूछना, हाउ मच, शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम का मतलब होता है दो बार के लिए, लॉन्ग टाइम का मतलब होता है फुल नाइट, साइड में आपको जितना लेना है उतना उसको लो, समझे। और लॉन्ग टाइम में पूरी रात में सिर्फ 2-3 बार ही देती है गुरु, ओके। तो इस बात का ध्यान रखना, बाद में मत बोलना पता नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए भी लड़की को आपको लेके जाओगे लौड़ा, वो आपको 2-3 बार ही करने देगी, ठीक है। 2-3 बार ज़्यादा लौड़ा कर भी नहीं पाओगे, दारू और पिए ना। ये देखो ब्यूटी 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 कलर ब्यूटी, वो भाई मैं तो गुरकी को देखो गुरकी, ओ ये देखो ये पूरी 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 बैलून बैलून बैलून, बैगनी कलर को देखो, बैगनी बैगनी बैगनी, अब ये उजर की आने वाली, उजर की उजर की उजर की उजर की को देख लो रे, सफ़ेद वाली आए, आ गई माल गुरु, माल है माल। जन्नत क्लब का तो हमने वीडियो आपको बनाया था, तो जन्नत क्लब के अंदर का तो कल आपको दिखाया था, आज चलते हैं कहीं और दिखाते हैं।
एक तो जो क्लब है वो भी दिखाते हैं। अब आप लोग बोलोगे रोज रोज वॉकिंग स्ट्रीट आके तुम अलग अलग क्लब क्यों दिखाते हो, भैया क्लब इसलिए दिखाते हैं ताकि तुम लोग खुद डिसाइड करो कि कौन क्लब सबसे अच्छा है, किस में जाना है, पूरा रॉ माहौल कितना भीड़ रहती है, क्या क्या होता है, पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आगे आज आपको लेके चलता हूँ, चाहे मैं चलो रास के अंदर ही लेके चलता हूँ, रास के अंदर लेके चलता हूँ। और अभी अच्छा क्लब है, हम बाहर यहाँ से आ गए हैं क्योंकि अभी क्लब चल रहा है 4 बजे तक, लेकिन मुझे निकलना है इसलिए मैं अभी बाहर निकल गया हूँ। तो ये भैया हैं, इनसे मिलिए। और यहाँ पे अगर आपको वॉकिंग स्ट्रीट पे ज़्यादा आपको इंडियन फूड की चुल मची है, ज़्यादा दारू रुपी लिए हैं तो आपको समोसा वमोसा खाना, तो यहाँ पे सबसे अच्छा और सस्ता समोसा मिलता है। ये दीदी की शॉप है, 10 भात में एक समोसा, 20 भात में 2 समोसा, तो आप आके खा सकते हो। तो मैं यहाँ पे समोसा खा रहा हूँ, चिकन बिरयानी भी है यहाँ पे, चिकन और वेजिटेबल समोसा, स्प्रिंग रोल, सब चीज़ें यहाँ पे ले सकते हैं। स्ट्रीट फूड में सबसे सस्ता मिलेगा आपको, दरअसल ये है, 10 भात में एक समोसा मिल जाएगा, मतलब 22 रुपये का एक समोसा। भाई महंगाई है लेकिन आके आप खा सकते हैं, टेस्ट अच्छा है, ठीक है। तो देख लो भैया लोग, हमने 2 समोसा ले लिया 20 भात में, चलिए इसको खाते हैं। भाई जिस दिन भी मैं वॉकिंग स्ट्रीट आता हूँ ना, मैं यहाँ पे समोसा खाने सबसे पहले आता हूँ, सोचता हूँ 2 समोसा खाऊंगा लेकिन 2, 4, 6 खा जाता हूँ, क्योंकि इतना टेस्टी समोसा बनता है और सस्ता है ये 10 भात का एक समोसा। तो आप आए यहाँ पे तो पांडा क्लब के बाजू में ही है, आप एक छोटा सा स्टॉल है, देख लीजिए, आप जरूर यहाँ का समोसा टेस्ट करें और कमेंट में मुझे बताएं कैसा लगा। और पीने के बाद कुछ तीखा चटपटा तो आपको मांगता ही मांगता है, आप जानते ही हैं, तो यहाँ पे आकर टेस्ट करें, बताएं फिर आगे चले। तो मैं खा लेता हूँ, चलता हूँ, 2 खा चुका हूँ, 2 फिर खा रहा हूँ। कामा क्लब सब जैसे निकलेंगे आपके हाँ साइड में, जैसे खुमो क्लब है और कामा क्लब के बीच में कोको बार है, हैंग ओवर नाम है, मैं इसका लोगो दिखा रहा हूँ आप देख लीजिए, और ये यहाँ के ओनर है, इसको देख लीजिए। फिर आप यहाँ पे आके सस्ते में अपना दारू बियर चकना ये पहचान लीजिए, ये हैंग ओवर बार के ओनर है। तो आप यहाँ पे आ जाइए, यही आपको मिलेंगी, आप यहाँ पे बैठ के आराम से अपना पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। So Indian people come here from very cheapest wine and beer from. Thank you. Nice to meet you. तो दोस्त मेरे, आप लोगों को बताने के लिए, जैसा कि तुम्हारा भाई सुबह तक इस बार में बैठा रहा, तो आप लोग पूछते थे कि भाई 7-Eleven से बियर भाई 12 बजे के बाद नहीं मिलती, तो हम कहाँ जाएं, और वॉकिंग स्ट्रीट में आप हो तो गुरु यहीं पे आ जाओ, ठीक है। हैंग ओवर बार बहुत अच्छा बार है भाई। देखो जैसा कि तुमको पता है कि जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बहुत सारे वीडियो में बताया कि आप अपना किसी भी बार या किसी भी कोको बार से बियर और ड्रिंक ना लें क्योंकि वहाँ पर महंगा होता है, ये बात सच है। लेकिन जैसा कि ये भी है कि आप 7-Eleven या फैमिली मार्ट में 12 बजे के बाद बियर दारू एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं सेल किया जा सकता, तो भाई अब कहाँ लें,
या मान के चलिए जैसे आप अगर आप जैसे कामा में बैठे हैं या टोनी में बैठे हैं और आपके पास पैसे कम हैं, तो अंदर जाइए, एक दो बियर पीजिए और बंदी को लेके आइए बाहर, और कामा के ही बाजू में, देखिए कामा के बाजू में ही यहाँ पे ये बार है, छोटा सा कोको बार है जिसका नाम है हैंगओवर। इस बार को आप देखिए, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे 7-Eleven से थोड़ा सा महंगा, मतलब 10-20 भात महंगा में आपको यहाँ पे 100 भात में 3 टकीला शॉट मिल जाएगा और 100 भात में 120 भात में बियर मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छा है। तो आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। और यहाँ पे ये भी अच्छा है कि यहाँ पे आप अपने महिला मित्र के साथ या क्लब से कोई बंदी पिक करो तो यहाँ पे जाकर उसको बैठ सकते हैं। क्लब में जहाँ आपके 10,000 पुकेंगे, यहाँ पे 2-3,000 में काम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बंदी को लाके बैठा के अपना रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पैसे कम है तो आप यहाँ पे लाके उसको पिलाओ और सेट करो, फिर ले जाओ, ठीक है। तो या थैंक यू, नाइस टू मीट यू, ठीक है। तो गुरु ये बता दिया आपको पूरा जुगाड़। और इसमें सबसे खूबसूरत बात, यहाँ पे भारतीय गाना भी बजता है गुरु, गरदा। मेरा यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, आप लोगों को फुल और फुल एंजॉय करा पाऊँ। आप लोग चाहे बड़ी पार्टी पैसे वाले हो, चाहे आप नॉर्मल आदमी हो, चाहे आप बजट ट्रेवलर हो, जो मेरी वीडियो देखता है मेरे लिए सब भाई सेम है। जैसा उसका बजट है उसके हिसाब से अपना एंजॉयमेंट कर सकता है। इसलिए मैं आपको जो भी ऑप्शन होता है वो मैं आपको पूरा रिसर्च के बताना, चाहे उसके लिए मुझे 2 दिन 3 दिन 4 दिन कितना ही भटकना पड़े, रिसर्च करना पड़े। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। प्लास तो हमको भी लगा है, लेकिन गुरु क्या करें, मैं को सुबह तक जगना था इसलिए क्योंकि मुझे आपको समझाना था, मुझे लौड़ा समझाना है तुम्हें एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि जो ट्रस्ट आप लोगों का है ना दोस्तों, मेरे लिए वो ट्रस्ट सबसे बड़ा है। जो आप ट्रस्ट मुझ पर करते हो, जो आप उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, दिन रात जगना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो ट्रस्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। छोटा हो या बड़ा, चाहे आपके पास कम पैसा हो या ज़्यादा पैसा हो, लेकिन आप फुल एंजॉय करो, फुल मजे लो, फुल थाईलैंड से मस्ती करके जाओ। इसलिए आपको मैं बेटर से बेटर जानकारी और बेटर से बेटर इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको खोज के आपको परोसता हूँ, मतलब वीडियो के माध्यम से देता हूँ, ताकि आपका 4 पैसा बच सके, आप इंजॉय कर सकें, ठीक है दोस्त। चलिए चलते हैं आगे, अब वीडियो बहुत हो गया है लंबा, इतना वीडियो बनाते बनाते रात सुबह हो जाती है, और आगे चलते हैं। यहाँ पे शोर हो रहा है लोड़ा, रात को यहाँ पे चला इस गलियों में कितना नज़ारा होता है, लेकिन अभी देखो पूरा पूरा क्या कहें लोड़ा यार, पूरा खाली है, लेकिन हाँ क्लीनिंग के मामले में, सफाई के मामले में नंबर 1 है, ठीक है। तो देखा भाई लोग, सुबह के 6:30 बज चुके हैं। बाय बाय बाय, थैंक यू, ओके। गली कामा वाली गली में जाना है तो आप यहाँ पे लाइट मारी।